मैं खुशरू आपका स्वागत करती हूँ द न्यूज टॉक चैनल में। आज हम लोग आपके सामने एक ऐसा मामला लेके आए हैं जिसके बारे में सुन के आप हंसेंगे तो बहुत ज्यादा, क्योंकि पुलिस वाले भी बहुत ज्यादा हंसे हैं। चलिए मैं आपको बताती हूँ पूरा मामला क्या है आखिरकार। पर उससे पहले अगर आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को दबाइए, इस वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। अगर आप लोगों के पास ये हंसी का कारण बना है ये अपडेट, तो हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए। मध्य प्रदेश के दुहाई में एक्चुअली में लॉकडाउन तो लगा ही हुआ है, और उस दौरान ही वहां पर गुजर रहे थे एक पति पत्नी अपनी बाइक पे। तो वो जब चौकी के पास से निकल रहे थे तब उन्होंने दूर से देखा कि वहां पर पुलिस की वैन खड़ी है और आने जाने वालों को रोक रहे हैं, और रोक इसलिए रहे हैं कि अगर किसी ने मास्क नहीं लगाया तो उसके ऊपर फाइन डाला जाए 100 रुपए का। तो उन्होंने दूर से ही देख लिया, तो पत्नी ने अपना पेटीकोट निकाल के एक्चुअली पति के मुंह पे बांध दिया। अभी ये काफी ज्यादा हैरानी की बात है, हम आपको पूरी अपडेट देते हैं। अपडेट ये एक्चुअली ये है कि पति पत्नी बाइक पे जा रहे थे और उसके बैग में एक पेटीकोट पड़ा था जो कि वो साथ में लेके जा रही थी, और जब दूर से देखा पुलिस वाले हैं तो 100 रुपए ना देने पड़े, चलान ना कटाना पड़े, इसीलिए अपने पति पे पेटीकोट ही बांध दिया उसने मास्क के रूप पे, जो कि उसने मास्क नहीं पहना हुआ था। जब वहां पर पुलिस वालों के पास गए तो पुलिस वाले अपनी हंसी नहीं रोक पाए। हालांकि ये हंसी का कारण बना और सोशल मीडिया पे ये वीडियो काफी तेजी से वायरल हो रही है। वहां पर पति ने ये चीज बोला है कि मास्क नहीं था पर पत्नी का पेटीकोट भी मास्क के ही जैसा है, वो काफी ज्यादा मेरी कोरोना से सुरक्षा कर सकता है। तो इस दौरान ही वहां पर पुलिस वालों ने इनका चलान तो नहीं काटा, पर पत्नी की इस बात से काफी ज्यादा हंसे और उसकी सराहना भी की कि एटलीस्ट उन्होंने मुंह कवर तो किया, किसी चीज से भी किया। तो आप लोगों को कैसा लगा ये अपडेट हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए। इसी के साथ मैं लेती हूँ इजाजत, बाय, टेक केयर, नमस्कार।